मस्त है सर वीडियो, एक बार देख चुका हूँ, दोबारा से देख पिज़्ज़ा गलत जगह पे रखा है। नाइस, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है जिंदगी? मैं जो मंडे को चुटकुले सुनने तुमको है, हमें नहीं पता था इतनी भीड़ आएगी। कोरोना का हाल क्या कर दिया तुमने? दिल्ली वाले ये भैंसो कोरोना के ऊपर से निकल गए। बहुत धंधा रहता है हमारे कानपुर में। एक लौंडे को वैक्सीन बोल के रूपजा का इंजेक्शन लगा दिया। उसका कोरोना पता नहीं, उसकी शुगर 400 हो गई, पगला गया। आपको वीडियो लेनी है मैम? मेरी आंख खींचे प्लीज। हाँ हाँ लो लो, और बताओ। आप 6000 रुपये तो मैं पोल डांस करूंगा। बॉर्न आफ्टर थ्री सिस्टर, तो अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हैं क्या करके? ये कौन सी औरत थी? कुछ तो ऑडियंस में से बोला किसी ने। सब टीवी का करेक्टर नहीं है कोई? बाबू जी जेठा लाल की वाली गले में जलता हुआ कोयला रख लिया क्या? बतक बैठी हुई है। मैं 3 महीनों के बाद पैदा हुआ हूँ। अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो ना, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि मैं इस दुनिया में प्यार की वजह से नहीं आया। है कि नहीं? है ना? अपने माँ बाप की जरूरत ही तो काम है। ये क्या चुड़ैले आ रखी है? एक बार सुन चुका हूँ तो यार, पहले से एक्सपेक्टेशन आ रही है। कोटा बेबी 21 सीरियसली ऐसे करके जो लड़कियां हंसती है ना, उसके बॉयफ्रेंड को आधी रात को हार्ट अटैक आ ही सकता है भाई। ये जो बोल के बताया है ना, एकदम ऐसे हो सकता है। 3 महीनों के बाद पैदा हूँ। मेरे बाप मुझे अक्सर कहते हैं कि हर्ष बेटा, मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। मैंने मुझे पता है पापा, मैं ही तो आपकी जीत हूँ। अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते तो आपका कॉम्पिटिशन घर पर लड़कियों से है। लड़कियों से आज के टाइम पे आप कंपीट कर नहीं सकते, क्योंकि लड़कियां पैदा हो रही हैं डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंट हैं, और लौंडे पैदा हो रहे हैं लुच्चे। ये पैंचल लफंगी कौम है, हैं? आप देखो, लड़की जब पैदा होती है तो डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी अगर अच्छा डॉक्टर हो, इंचार्ज होती हो। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लाइन के भाई, वो सामने में सच्ची में 4 डॉक्टर बैठे हुए हैं, और जिसके तरफ से ऑलरेडी वो परमिशन ले चुका था कि वो उसको रोस्ट कर सकता है, जो कि उसने सबटाइटल में लिख के रखा है। एंड ट्रस्ट मी, जो लाइन बोला है ना कि जब लड़कियां पैदा होती है तो बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, और हम पैदा होते हैं मतलब हम लुच्चे लफंगे पैदा हो गए, हमारी कोई कीमत ही नहीं है। बहुत सीरियसली, सो रिलेटेबल। डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी ध्यान से लक्ष्मी हुई है, प्लीज ध्यान से पकड़िएगा। ध्यान जब तक पकड़ा नहीं देता पूछता रहता है। लौंडों को तौलिया तो पैदा होता ही नसीब नहीं है, यूं खींचता है डॉक्टर, यूं दोनों टांगों से नंगा पकड़ा हुआ, और गांड पे मारता हूँ कि चल बहन चल, चल तुझे आगे चल के फेमिनिज्म सीखना चल। मैंने जिंदगी में कोई लड़की नहीं देखी जो 5 सब्जेक्ट में स्कूल में फेल हो जाती हो। मैंने देखी है, मैंने देखी है। तुम लोगों में से किसी ने देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोगों ने देखा है या नहीं। मैंने तो देखा है ही नहीं। लौंडे हमारे साथ ऐसे ऐसे स्कूल में, बाय गॉड 5 सब्जेक्ट में तो उनका बनता था फेल होना, उसके अलावा ड्राइंग, क्राफ्ट, ये उल्लू के पट्टे एनवायरमेंटल स्टडीज में फेल हो रहे हैं। इन लोगों से पेड़ की फोटो नहीं पहचानी जा रही। मेरे साथ का एक लौंडा पेड़ के नीचे कैट लिख के आ गया, और टीचर से बकचोदी कर रहा। टीचर कह रही बिल्ली क्या कर रही पेड़ के नीचे? छाव में बैठी, तुम्हें दिक्कत है? वैसे लुक पे ध्यान दो, जब भी ये बात करते करते एक साइड हो रहा है ना, तो उस पे ऐसा लग रहा है कि ये विकी कौशल ही खड़ा है, और वो स्माइल सेम टू सेम विकी कौशल वाली ही लग रही है। और ये हमेशा खुद के वीडियो में बार बार कहते हुए भी सुना गया है कि मैं सस्ता विकी कौशल हूँ। तो यार देखने लायक है। इतनी महंगाई बढ़ रही थी, मेरे बाप परेशान थे। मैंने कहा गुजराल साहब तुमने इतनी महंगाई में 4 बच्चे क्यों कर लिए? तो मेरे बाप कह रहे ऐसा है, जब हम कर रहे थे तब इतनी महंगाई नहीं थी।
मैंने कहा अच्छा, सेंसेक्स की उछाल के हिसाब से हमारे घर पे मूड बन रहा था कि भाग्यवान सुनती हो, आज गोल्ड का रेट बहुत डाउन है। मैंने कहा आपने सही नहीं किया, चार बच्चे करके कह रहे, तुम्हारी वजह से ये तीन बहनें पैदा हुई हैं, तुम्हें लाने के चक्कर में, मेरी वजह से, मैं तो था भी नहीं मार्केट में, मैं तो खुद बहुत लेट पहुंचा हूँ मार्केट में, इंजीनियर का सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल दिया। मैंने कहा मेरी क्या गलती है, पापा कह रहे तुम पहले आ जाते तो ये तीन तो ना होती, पहले आ जाता तो मम्मी के पेट के अंदर छुप के बैठा हुआ था, या पेट के अंदर कोई स्पर्मों की रेस चल रही थी जिसमें मैं जो बहनों वाले तेज भाग रहे थे, हम जान बूझ के लंगड़ा रहे थे। आप बाहर से बुलाते आ जाओ, मैं अंदर से मना कर रहा था, नहीं मेरा मन नहीं है, पहले किसी से कहो अंदर पिज्जा देके जाए। कितना एंजॉय कर रहा है, खुद के जोक को एंजॉय करना मीन्स अलग ही सीन है। ये भाई साहब खुद के जोक को इतना एंजॉय कर रहे हैं जितनी पब्लिक एंजॉय नहीं कर रही है। मेरी क्या गलती है, कह रहे हर बात तो बाप से जवान लड़ा रहा है, लेकिन बचपन में मनते मांगी है तब जाके तू पैदा हुआ है, और मुझे बचपन में लगने लगा था कि हम सब मन्नतों से ही आ रहे हैं, शाम को मन्नत मांगी सुबह बच्चा डिलीवर, लेकिन अब बड़े हो गया पता लग गया है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कोई चीज़ है, तो अब हमारे बाप हमें डांट नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी डांटते ना कि हर बाप से जवान मत लड़ा बेटा, बचपन में मन्नतें मांगी हैं तब जाके तू पैदा। मैं बीच में ही रोक देता हूँ कि पापा माफ़ करना, लेकिन उसे मन्नत नहीं कहते, और अगर कहते भी तो आपने फिर उस दिन मुझे इतनी तेज चाटा क्यों मारा जब आपने मुझे रंगे हाथों मन्नतें मांग के पकड़ लिया था। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे बाप बीच मन्नत याद में कान पकड़े उठा दिए, मेरी मन्नत नहीं पूरी होने दी। लोग कहते हैं आप तीन महीनों के बाद पैदा होते हो तो आप घर के लाडले होते हो, कोई लाडले नहीं होते, सिर्फ हैरेसमेंट होता है लड़कों का। हाँ सही बता रहा हूँ, सिर्फ हैरेसमेंट होता है। इतना ज्यादा हुआ मेरा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए 5-6 साल की उम्र तक लड़कों वाले कपड़े तक नहीं खरीदे। मैं जब भी कहता था मम्मी कपड़े, तो कहती थी ये बहनों की फ्रॉक है पहन के चलो, तो मैं कहता था ये, तो कहती थी हाँ अभी कौन सा पता लग रहा है। जो पता नहीं लग रहा तो जमीर बेच दे क्या, लड़कों का आत्म सम्मान कोई चीज नहीं होती। कह रही तुम्हारी बहन देखो पिंक फ्रॉक में कैसी डॉल जैसी लगती, वो सुंदर थी लगती थी, मैंने Device disconnected.